ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं, बहुत हताश हैं, निराश हैं, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहे हैं तो, और घर में सुख शांति समृद्धि नहीं बन पा रही है तो आपको कपूर के ये 5 चमत्कारिक उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। अगर आप इन उपायों को नियमित रूप से करते हैं तो आपके जीवन में जितनी सारी अव्यवस्था है, जितनी सारी चीज़ें खराब चल रही हैं, वो बेहतर हो सकेगी और हमारे जो ग्रह हैं हमें बहुत ही सकारात्मक के साथ में चीज़ें प्रदान करेंगे। तो 5 उपाय हैं, इन 5 उपाय को आप आज इस वीडियो में समझ लें और अपनी खुद की एक मदद आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, जीवन में कोई तकलीफ परेशानी से वर्तमान में आप अभी गुजर रहे हैं, कोई प्रश्न जो आपको परेशान कर रहा है, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहला उपाय आपको ये करना है कि कपूर लें और गूगल, बाजार में आसानी से मिल सकता है, कपूर और गूगल का नियमित गूगल का धूप दें और उसमें थोड़ी सी कपूर डाल दें। कपूर डालने के बाद उसे घर में धूप पूरे घर में आप घुमा दें और धूप दें, उससे घर की जितनी सारी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो ऊर्जा हमेशा के लिए घर से बाहर निकल जाएगी और साथ ही साथ में घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आपको महसूस होती हुई दिखाई देगी। दूसरा उपाय आपको करना है कि गुलाब के फूल लीजिएगा और गुलाब की जो पत्तियाँ हैं, गुलाब की पत्तियों के साथ ऊपर कपूर रखकर कपूर को नियमित आप 21 दिन तक जलाएं। रोज माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने 21 दिनों तक इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहेगी और सुख शांति समृद्धि जो आप चाहते हैं आपके घर में वो भी हमेशा रहेगी। तीसरा उपाय है कि जब कभी भी जहाँ मंदिर में कुछ चीज़ें दान करनी हो तो कपूर का दान करें, जो भी आप श्रद्धा से कपूर दे पाए वो कपूर आप जरूर दान करें। दोस्तों, चौथा उपाय है कि जब कभी भी आप किसी भी नदी में स्नान करने जाए, गंगा में, शिप्रा में, नर्मदा में, कोई भी महानदी जो बड़ी नदी है वहाँ पर आप स्नान ध्यान करने जाए तो कपूर की बत्ती जरूर, कपूर वहाँ पर अवश्य रूप से जलाए, कपूर के दिए छोड़ सकते हैं आप नदी में और कपूर वहाँ, कपूर से माँ उस जिन भी नदी पे हैं उनकी पूजा अर्चना जरूर करें कपूर से, कपूर की बत्ती से। इससे भी कई सारी चीज़ें हमारे जीवन में पॉजिटिव हो जाती है। कपूर और सरसों का तेल, मतलब आप कपूर जला लें, कपूर जलाने के बाद उस पर सरसों का तेल के अंदर कपूर की बत्ती को भी जला सकते हैं और उससे भी बहुत सारे फायदा होगा। हवन जहाँ हो हवन में भी कपूर आप जब भी आहुति हो तो 5 आहुति कपूर की जरूर अवश्य रूप से डालें, उससे भी कई सारी चीज़ें जो हैं सकारात्मक और पॉजिटिव होगी। तो ये कपूर के वो चमत्कारिक उपाय हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए और करना चाहिए, जिससे कई सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी और पॉजिटिव हो सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।